नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह मौर्य आप सभी का आंगनबाड़ी आशा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाजिर हूं एक बार फिर से लेकर दिन भर की कुछ प्रमुख बड़ी खबरें, जिन्हें जान लेना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बजट में आंगनबाड़ी बहनों को कितना पैसा आया है, क्या उनका मानदेय बढ़ेगा, और साथ में एक महत्वपूर्ण लेटर भी दिखाएंगे, और आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बनी घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 44,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट केंद्र सरकार ने जारी किया। आपको पूरी खबर बताएंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। नई दिल्ली केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए यानी कि 2021-22 वाले वित्त वर्ष के लिए 16.31% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश 2021-22 के बजट में मंत्रालय के सक्षम आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लिए 24,435 करोड़ रुपए और मिशन पोषण 2.0 के लिए 20,105 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया है। मिशन 2.0 एकीकृत बाल विकास सेवा, ICDS, आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान तथा कुछ अन्य योजनाओं को मिलाकर बनी योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए तय बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष में मंत्रालय के लिए 30,007 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 21,008 करोड़ रुपए कर दिया गया था। आपको बता दें कि सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए कुल राशि को 2,411 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,575 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारत सरकार पोषण मिशन 2.0 लॉन्च करने वाली है, यानी पोषण मिशन का अगला संस्करण भारत सरकार ले आएगी। लेकिन यहां पर हमारी आंगनबाड़ी आशा बहनें ही सबसे ज्यादा कुपोषित हैं। बहनों का मानदेय इतना कम है कि वह सही से अपना खुद का खर्च नहीं चला सकती हैं। परिवार का खर्च और बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात है। इस वीडियो के माध्यम से सरकार को आंगनबाड़ी आशा न्यूज बताना चाहता है कि जब तक महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी बहनों का कुपोषण दूर नहीं करेगा, यानी जब तक बहनों का मानदेय कम से कम 25,000 रुपए और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक सरकार चाहे जितना कुपोषण को मिटाने के लिए भारी भरकम बजट दे दे, कुपोषण नहीं मिटने वाला है। क्योंकि एक कुपोषित इंसान कैसे इतना सारा काम वो इतने कम मानदेय पर कर सकता है? अगर आप हमारी बातों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि यह बात सरकार तक पहुंचे और जो इतना भारी भरकम बजट है उसमें आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की बात हो, उनके मानदेय को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो विशेषकर बहुत कम मानदेय, 5,000 रुपए मानदेय है। उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाना चाहिए। इतने कम मानदेय में, इतनी महंगाई में कैसे कोई काम कर सकता है? आज की अगली खबर, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए लड़ रही हैं मंजू देवी। महसी ब्लॉक के मुकरिया ग्राम पंचायत के पच पेड़वा गांव की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हैं, लेकिन गांव की आंगनबाड़ी मंजू देवी के प्रयास से उन्हें बच्चों का पालन पोषण करना बखूबी आता है। 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध और इसके बाद माँ के दूध के साथ कटोरी चम्मच से ऊपरी आहार देना इनकी आदत में शुमार है। इसके लिए मंजू प्रत्येक महीने होने वाले आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई और अन्य प्रास जैसे कार्यक्रमों का सहारा लेकर बच्चों के पालन पोषण के आधुनिक तरीके माताओं को सिखा रही हैं। 6 माह के बाद स्तनपान के साथ ऊपरी आहार क्यों आवश्यक है? इसके अलावा गृह भ्रमण के दौरान ऊपरी आहार खिलाने के हर प्रकार की चुनौतियों को दूर करने में माताओं का सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप इनके कार्य क्षेत्र में कोई भी बच्चा कम वजन का नहीं है। वे हर महीने 12 से 15 बच्चों की माताओं को कुपोषण से बचाना सिखाती हैं। इनके प्रयास के अलावा अधिकारियों ने इन्हें सम्मानित भी किया है। मंजू का कहना है कि माँ का पहला दूध बच्चों के लिए संजीवनी होता है, इससे कई प्रकार के रोगों से निजात मिलती है। सबसे पहले हमारी आंगनबाड़ी बहन मंजू देवी जी के इस अच्छे कार्य के लिए वीडियो को लाइक कर दें और हम सभी को बहन से जरूर सीख लेनी चाहिए। आंगनबाड़ी आशा न्यूज सरकार से अपील करता है कि बहन के इस अच्छे कार्य के लिए बहन को उचित इनाम जरूर मिलना चाहिए। आज की अगली बड़ी खबर, 53,000 आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका की भर्ती ऑनलाइन होनी है, जिसका फॉर्म का प्रारूप आ गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी डिटेल आपको फॉर्म में भरनी है। तो आप फॉर्म देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको एक नवीनतम फोटो चाहिए, जिसमें आपका हस्ताक्षर होना चाहिए फोटो के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने हो, तो आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। पहले कि आपको लिखना है कि बाल विकास परियोजना कौन सी है और जनपद कौन सा है।
पद का नाम, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी या फिर सहायिका किसके लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, और रिक्त केंद्र का नाम कहाँ पर रिक्त केंद्र है उसको आपको बताना है। उसके बाद आपको लिखना है ग्राम सभा वार्ड का नाम लिखना है, फिर वार्ड नंबर लिखना है, फिर आपको आवेदिका का नाम जिसको नौकरी चाहिए जिनके नाम से उनको लिखना है, फिर उनकी स्थिति क्या है, विवाहिता हैं, अविविवाहिता हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर लिखनी है। फिर उसके बाद आपको लिखना है पति का नाम, फिर उसके पिता का नाम लिखना है, माता का नाम, और आवेदिका का मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आप वही लिखिएगा जो आपका मोबाइल नंबर चालू रहे। उसके बाद आपको अपनी श्रेणी लिखना है, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य वर्ग। पॉइंट नंबर 6 में आपको लिखना है विधवा तलाकशुदा परित्याग प्रमाण पत्र जारी का पदनाम और दिनांक कब वो जारी किया गया है। अगर आप विकलांग हैं तब उसका जो है प्रमाण पत्र दिनांक कब जारी किया गया है और क्रमांक, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और 8 नंबर में आपको लिखना है यदि आवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत है उसका विवरण। अगर आप सहायिका के पद पर कार्यरत हैं और सेविका के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका आपको विवरण डालना है, केंद्र का नाम, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको अस्थायी पता आपको जो है वहाँ पर डालना है, फिर आपको निवास प्रमाण पत्र उसका नंबर और कब जारी हुआ है। पॉइंट नंबर 12 में आपको आय प्रमाण पत्र संख्या डालना है, और उसके बाद कितनी आपको आय है वो मेंशन करना है, और आपको डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है शब्दों में, और आपको अंकों में भी लिखना है। उसके बाद सबसे जरूरी जो आधार नंबर आपको लिखना है, और दिनांक 1 जनवरी 2021 को आदेशिका की आपकी उम्र कितनी है उस दिन तक आपको अपनी उम्र जोड़कर लिखनी है। उसके बाद जो सबसे जरूरी होता है वो होता है कि आपको कौन कौन सी डिटेल, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है उसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो उसमें आप देख सकते हैं आप कक्षा 5 में आपको विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम और उत्तीर्ण वर्ष, सारी जानकारी आपको लिखनी है, कितने नंबर मिले थे, कक्षा 8 की पूरी जानकारी, और हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, इन तीनों की मेरिट बनेगी, उसी के बाद जो है आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो जो लोग भी भरना चाहते हैं अभी से इस फॉर्म को देख लें और सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास सुरक्षित रख लें, अभी से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और सारे सर्टिफिकेट अपने पास रखें, जिससे कि जैसे ही भर्ती ऑनलाइन आए आप तुरंत आवेदन कर दीजिएगा। तो बहनों आज की आंगनबाड़ी आशा न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।